नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। खास रिपोर्ट के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं प्रद्युम्न शर्मा। लगातार पटकनी खाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसे लेकर चीन हमेशा से भारत को आग दिखाता आया है। ऐसे में एक बार फिर भारत चीन बॉर्डर पर फिर से झड़प की खबर सामने आई है। 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में भरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन सैनिकों को रोक लिया, जिसके बाद दोनों में झड़प हो गई। दरअसल 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर के यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में भरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया। इस दौरान दोनों में झड़प हो गई, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। हालांकि अभी स्थिति तनावपूर्ण है। अधिकारियों की माने तो भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है। भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों ने इस कदम से LAC पर हालत तनावपूर्ण है। इस तनाव को कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कल 9वें दौर की बातचीत हुई। करीब 15 घंटे तक चली इस बैठक का निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारत ने LAC पर तनाव को कम करने की अपील की है। खबरों के मुताबिक सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश उस वक्त हुई जब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से अपने 10,000 जवानों को हटाया है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के अलावा सिक्किम समेत कई इलाकों में चीनी सेना ने अपनी तैनाती को कम किया है, लेकिन जवान अभी भी डटे हैं। इस वजह से भारतीय सेना ने अपने जवानों की तैनाती बनाए रखी है। LAC पर पिछले कई महीनों से तनाव का माहौल है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिक और भारतीय जवान भिड़ गए थे। इस दौरान 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि चीनी सेना के कई अफसर जवान मारे गए थे, लेकिन चीनी सेना आज तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जिस तरीके से हमारे जवानों ने फिर से चीन के आक्रामक इरादे को विफल किया, वह भारतीय सेना के हौसले को दिखाता है। 2 दिन पहले ही भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा था कि चीन आक्रामक हो सकता है तो हम भी आक्रामक हो जाएंगे। किसी भी घटना से निपटने के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। सब तैयारी चल रही है। अगर वो अग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। हमारी तैयारी पूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।